अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 56 है और आज हम करने वाले हैं एनिमेशन टेस्ट पार्ट टू। जो हमारी पिछली वीडियो थी यानी कि प्रीवियस वीडियो थी, उसके अंदर हमने इसका पार्ट वन किया था। उसके अंदर हमारी जो दो वैल्यूज थी वो रह गई थी, वो आज हम करेंगे। एक था एनिमेशन फिल्म मोड, ठीक है, जिसकी हमारे पास चार आगे वैल्यू है। एक है बोथ, यानी कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों काम करेंगी, और एक है नन, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है ये आपको देख के ही पता चलेगा ये कैसे वर्क करती है। और एनिमेशन प्ले स्टेट है, ठीक है, इसकी दो वैल्यू, एक है रनिंग, ठीक है, दूसरी है पॉज, ठीक है, यानी कि एक आपकी रोकने के लिए है एनिमेशन को और एक चलाने के लिए है, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। आपके पास एक टीवी हमने रनिंग की हुई है, ठीक है, और इसकी जो हमारे पास कोडिंग है वो ये सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर अब हम सीएसएस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम की फ्रेम क्रिएट करेंगे एट द रेट की फ्रेम्स, ठीक है। कोई भी हमने यहाँ पे नाम रखना है, ठीक है, हम लेते हैं चेक, ठीक है। यहाँ पे आप दे लो 0% पे, आप यहां से इसका बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर आप यहाँ पे कोई भी कलर दे लो। यहाँ पे ऊपर आपने ग्रीन यूज किया है, यहाँ पे आप दे लो रेड, ठीक है। देन आप यहाँ पे इसकी वेट जो है उसकी एनिमेशन करते हैं, ठीक है। वेट था आपके ऊपर 200 है, यहाँ पे आप कर दो 300 पिक्सल, ठीक है। और इसी को आप डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप कर दें 50, यहाँ पे आप कर दें 75, और यहाँ पे आप कर दें 100, ठीक है। और इसके अंदर आप कलर चेंज कर दें, रेड के बाद येलो कर दें, और यहाँ पे वेट आप कर दें 4, यहाँ पे कर दें आप 450, और यहाँ पे आप कर दें 5, ठीक है। और यहाँ पे आप कलर चेंज कर दें येलो के बाद, अब यहाँ पे दे दो पिंक, और यहाँ पे आप दे दो कोई भी कलर आप दे दो, जैसे यहाँ देता करिए, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका क्री फ्रेम है उसको आपने यहाँ पे क्लोज करना है। और ये आपकी जो सीएसएस उस वक्त तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप एनिमेशन नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हम एनिमेशन का शॉर्टकट जो है वो यूज करेंगे, एनिमेशन। जिनको शॉर्टकट का नहीं पता वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे की फ्रेम का नाम चेक, ठीक है। देन हम स्पेस देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ड्यूरेशन देंगे, ठीक है, कितने वक्त के साथ वो ठहर के चलेगी। तो यहाँ पे हम देते हैं 3 सेकंड। देन हम यहाँ पे डिले देना है, तो हम डिले भी देते हैं 3 सेकंड, ठीक है। इसके बाद हम अपनी जो वैल्यू है वो लगाएंगे, इसकी फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो इसकी वैल्यू है फिल्म मोड की वो है बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। कोई भी एक हम यहाँ पे यूज करेंगे एनिमेशन फिल्म मोड, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉरवर्ड्स, ठीक है। सेव किया इसको, यहाँ पे जाके इसको हम रन करेंगे। आफ्टर 3 सेकंड ये रन करना शुरू करेगी, ठीक है। ये देखें, ये अपने कलरिंग जो है वो चेंज कर रही है, ठीक है। इसको दोबारा से रिफ्रेश करें, ये देखें ड्यूरेशन आ रही है इसकी, डिले टाइम आ रहा है, ठीक है। देन ये रनिंग कर रही है, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ग्रीन से जब इसका डिले टाइम खत्म होगा तो ये अपने जो कलर है वो लेके आना शुरू कर देगी। लेकिन जब आप यहाँ पे बैकवर्ड यूज करेंगे, या अगर आप यहाँ पे बैकवर्ड यूज करेंगे तो आपने जो 0% पे कलर दिया है वो फौरन आ जाएगा, देन ये डिले टाइम के बाद रनिंग करना शुरू करेगी। ये देखें, ठीक है, इसको आप दोबारा से देख सकते हैं।
ठीक है। और अगर या आप यहाँ पे बोथ यूज करेंगे तो ये दोनों वैल्यू ही वर्क करेंगी, यानी कि 0% भी इसका जो फर्स्ट कलर है वो आ जाएगा, देन ये डिले टाइम के बाद रनिंग करना शुरू कर देगी। अगर आप नन यूज करेंगे तो कोई भी वैल्यू जो है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये देखें नन के बाद, यानी कि ये जो आपने इसे सीएस की है वो स्मूथली ही चलेगी, जो आपने डिले टाइम और उसका ड्यूरेशन टाइम दिया है, ठीक है, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, इसको आप यहां से हटा के यहाँ पे भी यूज कर, शॉर्टकट के अंदर आप यूज कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज करते हैं, जैसे फॉरवर्ड है, ठीक है, इसको सेव करें, ये देखें 30 सेकंड के बाद ये चलना शुरू हो जाएगी, ये देखें फॉरवर्ड वर्क कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इसके जो नेक्स्ट है प्ले स्टेट वाली वैल्यू, यानी कि आप इसको रोकना चाहते हैं जब आपका माउस ऊपर है तो वो रुक जाए, और एक है जब आपका माउस ऊपर आए तो वो चलना शुरू हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसका होवर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, होवर के अंदर आप यूज वैल्यू यूज करोगे एनिमेशन प्ले स्टेट, ठीक है, पॉज्ड ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है, जब आप आपका माउस ऊपर आएगा तो ये रुक जाएगी, ये देखें जब माउस ऊपर लेके आऊंगा तो ये रुक जाएगी। ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये अपनी वर्क कर रही है, ठीक है, और इसी को आप यहां से कंट्रोल सी करें और यहां पर कंट्रोल वी करें, इसको यहां से आप कट कर दें। ठीक है, जब इसको आप सेव करके रन करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है, जैसे मर्जी इसके ऊपर माउस है, ठीक है, ये बिल्कुल रुकी रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहां पे मैं वो पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे हम इसको चलाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे रनिंग, ठीक है, अब जब आपका माउस ऊपर आएगा तो वो चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब 3 सेकंड ही चलना शुरू हो जाएगी, ये देखें जब माउस मैंने नीचे किया तो रुक जाएगी, जब ऊपर करूंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगी, ये देखें, ये दोबारा से रिफ्रेश किया, ये देखें माउस में ऊपर ले गया, आफ्टर 3 सेकंड ये चलना शुरू हो जाएगी, जब माउस साइड पे किया तो ये रुक जाएगी, ये देखें। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई होगी, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी लाजमी किया करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।